हेलो फ्रेंड्स, आज हम मास्क की कटिंग करना सीखेंगे। घर पर हम किस तरह से मास्क की कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास रेडीमेड मास्क है, तो ये वाला मास्क मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी किस तरह से हम घर पे ही ये वाला मास्क तैयार कर सकते हो। ये देखिए, बहुत ही सिंपल मास्क है ये। सिर्फ हमने इसकी कटिंग करनी है और ये चारों तरफ इसके सिलाई लगा कर ये इलास्टिक लगाना है। बहुत ही सिंपल सा ये मास्क है। आप घर पर कोई भी आपके पास कपड़ा पड़ा होगा, उस कपड़े का आप ये मास्क बना सकते हो। बस आपने जो कपड़ा है वो अच्छे से देखना है कि आपको लगाने में दिक्कत ना हो। इस तरह का आपने कोई भी कपड़ा घर पे ही ले लेना है। तो ये देखिए, हमने पहले तो मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ मास्क का। ये 5 इंच तो इसकी लंबाई रखी हुई है कपड़े की, और 7 इंच जो है हम इसकी चौड़ाई रखेंगे कपड़े की। तो हमारे पास ये देखिए, ये कपड़ा है, इसका हम मास्क बनाएंगे। ये 5 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखना चाहती हो तो थोड़ा से ज़्यादा भी रख सकती हो। ये 7.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। ये 7.5 इंच इसलिए रखी है क्योंकि हम इसके ऊपर अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, इसी को चारों तरफ से फोल्ड करेंगे कपड़े को। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। इसको आप, अगर आप कपड़े का मास्क बना रहे हो तो उसको आप घर पे ही आसानी से वॉश भी कर सकती हो। ख़राब भी नहीं होता ये बार बार वॉश करने से। अगर आप कपड़े को फोल्ड नहीं करना चाहते इस तरह से, तो आप अलग से यहाँ पे पट्टी भी लगा के उसको फोल्ड कर सकते हो। ये देखिए, ये मास्क जो है बनकर रेडी होने वाला है। तो इस तरह से आपने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेनी है।
इसके ऊपर आपने जहाँ पर इलास्टिक लगाना है, जिस तरह से ये इलास्टिक लगाया हुआ है, इस तरह से आपने ये इलास्टिक आपने लेना है। 6 या 6.5 इंच आप इस इलास्टिक की लेंथ रखिएगा, और 6.5 इंच का जो इलास्टिक है आपको सही रहेगा। तो आपने ये जैसे इसके ऊपर अटैच किया हुआ है, तो आपने ये पीछे की साइड से यहाँ पे इलास्टिक लगा लेना है। तो आपको जो मास्क है इस तरह से बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा।